हम अपना खान पान मौसम के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, बरसात के मौसम में अलग। क्यों? क्योंकि खान पान का असर शरीर पे पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह आपके खान पान का असर आपके फर्टिलिटी पर पड़ता है। आपके शरीर में पानी का स्तर, आपके विटामिन, आयरन, जिंक वगैरह का इंटेक, शरीर में जो आप खा रहे हैं वो कैसे अवशोषित हो रहा है, यानी असिमिलेट हो रहा है, बॉडी को मिल रहा है, उसकी दर। फूड में एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कई दालों में, कई अनाजों में एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो बनाने का तरीका क्या है, और साथ ही में जो फूड हम बाहर से लाते हैं उसमें केमिकल कितने हैं, कैसे, इन सारी चीजें प्रभावित करती हैं। फिर ऐसे में खान पान का तरीका क्या रखें जिससे कि फर्टिलिटी बूस्ट हो, ये बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और हमारे व्यूअर्स ने इसको जानने की इच्छा जाहिर की है। तो आइए हम आज इस विषय को डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, खान पान ही शरीर का ईंधन है, उसी से हमारा शरीर चलता है। ऐसे में खान पान हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, और खान पान खराब हुआ तो इम्यूनिटी खराब, और ऐसे में आपको फ्रिक्वेंट बीमारियां होंगी, बार बार आप इन्फेक्शन के शिकार होंगे, बार बार बीमार होंगे, इम्प्लांटेशन फेल होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक महिला के शरीर का बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, वो तुरंत प्रभावित होता है अगर आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ रहे हैं, टर्बुलेंस में है बॉडी। तो ऐसे में इम्यूनिटी ही नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन का स्तर, शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा, विटामिन्स और कई सारे वाइटल मिनरल्स, वाइटल वो मिनरल्स जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है इत्यादि, जो आपके ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करते हैं। तो फिर कैसे खान पान को मेंटेन करें कि बदलते मौसम में आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, आपकी बॉडी पे जो भी बदलते मौसम में आम जन को नेगेटिव इफेक्ट आते हैं आपकी बॉडी पर नहीं आए। सो आइए कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स आप सभी के लिए। जिन लोगों को महीने में बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, उनके लिए दो चीजें मैं बताना चाहूंगी। परिवार में भी शेयर कर सकते हैं आप इस जानकारी को, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगी और आप बहुत लोगों की मदद भी कर पाएंगे, रिटर्न में आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो सबसे पहले धनिया और लौंग, एक चम्मच धनिया, साबुत धनिया, सूखा धनिया, जो बीज आते हैं धनिया के, उसको आपको साफ करके लेना है, और दो लौंग, दो क्लोव्स लौंग, पानी में एक ग्लास में भिगो देना है, सुबह छान लेना है, हटा देना है बीजों को, और उस पानी को आपको पी लेना है। ये आप नियमित कर सकते हैं। लौंग गर्म नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से और मिनरल से भरपूर एक वाटर प्रिपेयर होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बिना दवा खाए बूस्ट कर देता है। हजारों महिलाएं यूट्यूब सहेली की इन आइडियाज से बेनिफिट ले रही हैं और बहुत अच्छे नतीजे हमको मिले हैं, उनके फीडबैक भी मिले हैं। अब बात आती है वो तत्व जो आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर रखते हैं, हार्मोन को बैलेंस रखते हैं, एग की क्वालिटी बूस्ट करते हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन्स, जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ई का बहुत रोल होता है। इसके अलावा आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि का बहुत रोल होता है। तो इसके लिए अपनी डाइट को रिच करें, और मैं सलाह दूंगी कि आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, भागदौड़ भरी जिंदगी है जैसे कि आम जन की है आज के समय में, तो बिना देरी किए कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स आप सेवन करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों के मुकाबले अब जमीन की उर्वरता में भी कमी आई है, तो फसलों में और अनाजों में और उत्पाद में भी वो पोषण नहीं रहा है जो पुराने जमाने के लोग केवल अनाज खा के लेते थे। इसलिए कुछ सप्लीमेंट जो प्राकृतिक हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। कई लोगों को बदलते मौसम में या गर्मी के मौसम में शरीर में हीट की बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी हीट से परेशान रहते हैं, शरीर पे इधर बाजू पर, पीठ पर, चेहरे पर दाने आते हैं, तो ये लीवर की गर्मी और टॉक्सिन्स का संकेत है। तो ऐसे में छाछ में, बटर मिल्क में आप गोंद कतीरा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। गोंद कतीरा थोड़ा व्हाइटिश कलर का क्रिस्टल होता है, रात भर पानी में भिगोए 10-12 घंटे फूल जाता है। दो चम्मच एक ग्लास छाछ में ऐड करें, मिलाएं, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और उसको आप कंज्यूम करें। खाली पेट करेंगे असर अच्छे से दिखेगा, लेकिन इसको आप नॉर्मली भी पी सकते हैं। छाछ जब पीनी है उसमें कतीरा मिलाया और उसको कंज्यूम किया। इसी तरह शेक स्मूदी में भी गोंद कतीरा आप मिला सकते हैं। गोंद कतीरा पोषण से भरा हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन है, साथ ही ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो हो गई ना बिना दवा के इलाज। अब बात आती है कि फूड में कई एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसको कैसे दूर करें ताकि उस फूड से हमें लाभ मिले और फर्टिलिटी बढ़े खाना खाते खाते। तो जैसे आप दालें बनाते हैं
उनको कम से कम एक घंटा पहले पानी में भिगो दें। सुबह उठते हैं तो पानी में भिगो के रख दीजिए, थोड़े टाइम बाद आपको पकाना है। इसी तरह बीन्स और जो लेग्यूम्स होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से भिगोना चाहिए, उस पानी को हटा देना चाहिए, फिर उसको यूज करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन के साथ जब आपके शरीर में जाते हैं तो ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो कोई भी मौसम हो आप रंगीन चीजें खाएं, आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक रूप से रंगीन चीजें हैं फल और सब्जियां। इनका सेवन जब आप करेंगे तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जो कि हर मौसम में आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट रखेंगे। लेकिन प्रोटीन आपको नहीं भूलना है, जनरली महिलाएं भूल जाती हैं प्रोटीन की सही मात्रा का उपयोग करना। तो आपके हर मील में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आप रखें जिससे कि आपके हॉर्मोन्स संतुलित रहें और फर्टिलिटी डिक्लाइन ना हो, फर्टिलिटी बूस्ट हो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने डेली रूटीन को अच्छा करने में हेल्प करेगी। बारी है अब सवालों की, जो कि मैं हर एपिसोड में कवर करती हूँ आप लोगों के सवालों को। तो हमारा आज का सवाल है आसिफ शाह, इन्होंने हमें मैसेज किया है कि पीसीओडी है, मेरे पीरियड 15 दिन में आ जाते हैं, 4 साल शादी को हो गए हैं, बहुत दवाई करा चुकी हूँ। तो पीसीओडी जब जीवन शैली की प्रॉब्लम है, वो कोई बीमारी नहीं है, तो वो दवा से पूरी तरह ठीक नहीं होगी। पीसीओडी में आपके साथ बॉडी हीट की प्रॉब्लम है तो आप गोल्ड पतीले का सेवन करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में केवल आपको छाछ का इस्तेमाल करना है, फल सब्जी का सेवन ज्यादा करना है, कच्चा खाना नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा सब्जियों को पकाकर खाना, जैसे दाल में कई सारी सब्जियां ऐड करके पका लिया, खिचड़ी बना लिया, डो में पेस्ट बना के किसी सब्जी का डो तैयार कर लिया आटे का। इसके अलावा पानी बहुत पी, खाली पेट रहने से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।